मदन और सऊद आल नालिया आल हलीमा आल हानी खिलायों के पियामा बड़ी कदरदानी के साथ तमाम मोमिनीन और मोमिनात और वो जवान और जोशीले खून के साथ जिन्होंने आल सऊद के खिलाफ और उनके हमसाल के खिलाफ एहतजाज किया और तबादला किया, काफ़ी एक ऐसी कदरदानी है ये जो और दुखियारी माँ की खिदमत में जो माँ एजाज के हतीब के अपने बेटे को राह इस्लाम में कुर्बान किया, ये जिंदा दिली की अलामत है। शहीद निम्र का खून जाया नहीं होगा, दीगर शहदा का खून जाया नहीं होगा। खुदावंद ने बताया कि नौका बता रही हूँ मैं जब यकीनन यकीनन अल्लाह एहसान करने वालों का कर्ज जाया नहीं करता। ये इस्लाम ये एहसान इस्लामी ये कुरान के एहसान मुतवाली ये अमानत है हम सब के हाथों में, इसकी हिफाजत हर मुसलमान पर वाजिब है। इसकी हिफाजत से मुराद इस्लाम की हिफाजत है। कई बार खून के जरिए से, कई बार जुबान के जरिए से, एक बार अमल के जरिए से जेहाद जो परवरदिगार ने मुस्लिमीन के लिए कर किया है, जेहाद जुबानी जेहाद आपने जो जिंदगी देखी जिंदगी के लिए किया था, शहीद निम्र के लिए शहीद निम्र के लिए आपने जो किया था ये भी जेहाद जेहाद लिसानी है, जुबानी जेहाद है। तबर्रा करना आज की हैसियत के जिगर चाहिए, मुर्दे यजीद पर तबर्रा करना आसान है। 61 हिजरी की यजीद पर 61 हिजरी की पहले वाले माविया पर उसके बाद उस 200 साल के अरसे में गुजरने वाले बनी उमैया और बनी अब्बास पर नजर करना बहुत आसान। उठते बैठते चलते फिरते मजलिसों में तकरीरों में सड़कों पर यवनों में मस्जिदों में आशुरखानों में इन सब के ऊपर तबर्रा करना आसान है, हर कोई उसमें साथ देता है। हिंदू भी साथ देगा, मुसलमान भी साथ देगा, शिया उठेंगे, यजीद इब्ने मुआविया पर लानत करेंगे, बहुत आसान है। लेकिन आज के यजीद पर लानत करना जिगर चाहिए, आज के आले सऊद पर लानत करना जिगर चाहिए, आज के आले बनी आज के बनी उमैया पर लानत करना जिगर चाहिए, आज की बनी अब्बास पर लानत करना जिगर चाहिए। सुकून चाहिए, जो हम कहते हैं कि यजीदियत के लिए उन पर लानत करने के लिए पाक व पाकीज़ा खून चाहिए, यजीदियत पर लानत करने के लिए ये वही खून है, ये वही खून है जिसने उनकी दुकानों से आले सऊद पर लानत के नारे निकलवा, क्योंकि आले सऊद नहीं है ये आले बनी उमैया है आज की, ये बनी अब्बास है आज की। देखें इनकी हरकतें, देखें इनके मुताबिक शहीद करना, जुल्म करना, हुकूमत के जरिए से बेगुनाहों का कत्ल करना, न जाने इन्होंने कितने कत्ल किए,
ना जाने कितने घर बर्बाद किए उनकी वजह से, ना जाने कितने हजार मुसलमान खतरे आम किए गए, लाखों की तादाद बेघर हो चुके हैं। सीरिया के अंदर के हालात, इराक के अंदर के हालात, बहरीन के हालात, ये सारे के सारे मुसलमान टॉर्चर इसी मनहूस खानदान की तरफ से। लेकिन कब तक करेंगे? बनी उमैया एक खास दौर है, हमेशा के लिए नहीं होते। आले सबूत उस शाख है बनी उमैया की, जो इस दौर में हमारे लिए एक जिंदा मजालिम है। हम माफिया दिखने कभी सुफियान के मजालिम को सुनते हुए चले आए, उलमाओं से सुना, किताबों के अंदर दर्ज यजीद के मजालिम, हज्जाज बिन यूसुफ सकफी के मजालिम, मंसूर दमाकी, हारून रशीद, हारून बनी उमैया और बनी अब्बास के बातिल बादशाह, जिन्होंने नासिकर किया है शियों का, शियों का खत, मुसलमानों का खत, जो जो आजाद मुसलमान या कुरान पर अमल करना चाहते उनका खत, उनके पैरों के टखनों तक अहले ईमान और मुस्लिमीन के खून से रंगीन भी जमीनें हुआ करती थी, जो हम तारीख में पढ़ा करते थे। आज इन मजालिम को हमने अपनी आंखों से देखा है, ये वही वो मजालिम है। आले सऊद, आले उमैया का अपग्रेडेड वर्जन है। आले सऊद, आले नाहियान, आले खलीफा, आले सानी, आले उमैया, आले अब्बास यानी बनी अब्बास, इन जैसे ताबूत का अपग्रेडेड वर्जन। ये मजालिम इन्होंने इसीलिए किए कि दुनिया इस्लाम बेदार हो चुका है। ये कत्ल क्यों किया जाता है? इसलिए कि मुसलमान बेदार हो चुका है, इस्लामी बेदारी आ चुकी है। हर जवान सुन्नी हो या शिया, हर कोई इस्लाम में हकीकी की तरफ देख रहा है। हर जगह पर नारे शुरू हो चुके हैं, अशा यूरीन इसहाक निजाम, मिस्र के अंदर ये नारे, टोनेस के अंदर ये नारे, शा यानी लोग, यूरीन यानी लोगों का इरादा, इसहाक निजाम यानी ये जितने ताकुती निज़ाम हैं सबका ख़त्म होना है। मिस्र ख़त्म हुआ, टोनेस और दीगर जगहों पर बहरीन, खुद हिजाज की सरजमीन जो हमारी इलाके की ज़मीन है, वो ज़मीन जो अंडिया के सरदारी की ज़मीन है, वो ज़मीन जो मदीना मदीने तक रसूल मकाम इब्राहिम की जगह, सैयद इस्माइल की जगह, हाजरा के अरकान की जगह, फातिमा ज़हरा के बाबा की हुकूमत की जगह, बकी का मकाम, जन्नत, एक जन्नत का टुकड़ा जो जालिमों के हाथ में, जब देखा कि सारे मुस्लिमीन बेदार हो चुके हैं, आईएस को बनाया, दाएश को बनाया, अन-नुसरा को बनाया, इसके जरिए से मुसलमानों का खतरे आम शुरू कर दिया। सरजमीन वही पर साजिशों के माध्यम यूक्रेन को गिराया, सरजमीन वही पर मकाम इब्राहिम के पीछे जहाँ पर हमारे नमाज़ पढ़ने की जगह, वहाँ पर मुसलमानों के साथ
क्या हुआ सब आप जानते हैं। 2015 का एक अजीम होलोकॉस्ट मीना के बेटा ने जन्म दिया। वो होलोकॉस्ट जो हिटलर की तरफ निस्बत दिया करते थे, जो सेल्स के अंदर लोगों को मारने की निस्बत दिया करते थे, मैदान ने मीना के अंदर मुसलमानों की तरफ बयान किया। हेलीकॉप्टर को नजदीक आने नहीं दिया ताकि कम अज कम हेलीकॉप्टर के हवा के जरिए से कुछ सांस ले सके। हेलीकॉप्टर को दूर कर दिया। गर्मी, धूप, कफ, लोगों की सांसें टूट रही थी। उस आलम में हजारों लोगों ने जान दे दी। ये सऊदी अरब का होलोकॉस्ट है। कुश्तार जमी अंजाम दिया इन्होंने। दुनिया के मीडिया को इन्होंने खरीदा। दुनिया के मीडिया इनके शिकस्ता उनकी इस्तार करना शुरू कर दी। सलमान बिन अब्दुल अजीज जैसे खबीस को बेगुनाह साबित करने के लिए सारी दुनिया के अंदर आमादा हो गए। जराइम बढ़ते गए। एक मुजाहिद एक कर्बला की दर्जा से दर्द हासिल करता कई साल पहले उसने इस ताबूती निजाम के खिलाफ आवाज उठाया। इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने के साथ लबैक या हुसैन और हैहात बिन नज़ला का सही मफ़हूम बहरैन और शेख कंसकी ने बताया। हैहात बिन नज़ला जो इमाम हुसैन का एक इंटरनेशनल स्लोगन था जिसे प्रैक्टिकल इन्होंने बताया। हम खत्म हो जाएंगे, जिंदानों में जाएंगे, लेकिन हम आज की बनी उमैया के सामने नहीं झुकेंगे। पहला प्रोटेस्ट इस जैसे बनी उमैया के सामने इमाम हुसैन ने किया था। उसी वक्त यजीद मरियम तख्त पर आए। इमाम हुसैन का पहला प्रोटेस्ट ये था, इस खबीस यजीद की हुकूमत में मैं हज नहीं कर सकता। हुकूमत के खिलाफ उठ गए अब्दुल्लाह बिन हुसैन। ये हैहात जिला का पहला अमली नारे का अमल था। हुसैनियत जिंदा है क़यामत तक और ये हुसैनियत क़यामत तक यजीदियत से लड़ती रहे। मैंने कहा कि हम दौर में यजीदियत है। वक्त ने फरमाया कि मुझ जैसा यजीद जैसे कि बयान नहीं कर सकता। अब अब्दुल्ला सहरा के फर्दन थे, वो नहीं कर सकते थे, लेकिन इमाम को मालूम था क़यामत तक के लिए हुसैनियत पर चलने वाले भी यजीदियत की बयान नहीं करेंगे। खौफ नहीं है, हमें मंजूर है कि हज के लिए वीजा मिले या न मिले, आधे सऊद को हम दाखिल करेंगे। अगर नहीं दिया गया इजाजत हज की, एक दिन आएगा इमाम के ज़ुहूर के बाद इमाम के साथ हज करेंगे। अगर मदानिम है शहीद निम्र की तरफ बहुत ज्यादा लोग शहीद होने तैयार हैं। अजीजों ये
जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने कामयाब किया, अब आपको बलद किया, आपने साबित कर दिया, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, मजदूर की हिमायत के लिए हम आगे बढ़ेंगे। दुरूद और सलाम आप पर, दुरूद और सलाम बच्चों पर, दुरूद और सलाम खवातीन पर जिन्होंने शहीद निम्र की माँ को पुरस्कार देने के लिए अपने आप को आमादा किया। ये एक नेमत है परवरदिगार की तरफ से तालिब के खिलाफ होना, क्योंकि इमाम अली की कौम इसी को अपना नमूने अमल बनाती है। जो पहली वसीयत अमीरुल मोमिनीन की शबे शहादत इमाम हसन से बुलाई, मेरे बर्तन खून व खस्म للظالم وللظالم خصما وللمظلوم اولى، اے میرے برتن ہمیشہ ظالم کے خلاف اٹھا کرو، ظالم کے خلاف برہت کرو، ظالم کے خلاف اپنا احتجاج درج کرو، اٹھو ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، وللمظلوم اولى اور مظلوم کی حمایت کرو۔ ये न देखो कि किस कौम व कबीले का है मजदूर, ये न देखो कि दालिम किस कौम व कबीले का है। हमारे नजदीक हर वो जालिम, जो जो जालिम किसी भी कौम का हो, चाहे शिया का हो, चाहे सुन्नी का हो, हम उस जालिम के खिलाफ। रिदा शाह पहलवी इन्हेलाब ईरान से पहले ये शिया था लेकिन जालिम था। हुसैनी कौम ने इमाम खमेनी की रहबरियत ने उसे उठाकर फेंक दिया। सद्दाम और गद्दाफी सुन्नी थे लेकिन हमारी जंग इन लोगों के साथ थी। हमारे पास मियार ये नहीं है कि शिया है या सुन्नी है या गैर मुसलमान, हमारे पास मियार दालिम और मजलूम। अगर मजलूम है कोई अगर मजलूम नहीं दालिम है कोई उसके खिलाफ आवाज उठाना है। इमाम अली इरशाद फरमाते हैं, ये नजुल बलागा का खुतबा इमाम ने फरमाया कि वो कौम जो अपनी जुबान से, अपने अमल से, अपने हाथ से और अपने दिल से मजलूम की हिमायत न करे, ज़ालिका मय्यतुन अहया, वो मेरी निगाह में जिंदा लाशे। इसलिए कि जिंदगी के बावजूद भी जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसे इमाम हुसैन ने फरमाया था कि तुम्हें जिल्लत की मौत नसीब होगी, नसीब भी। हर दौर में जालिम मकबूल रहा, हर दौर में मजलूम बुलंद रहा, हर दौर में मजलूम की हिमायत होती रही, हर दौर में लाजिम की मजम्मत होती रही, हर दौर में उस कौम का नाम उस सफहान पर लिखा गया जो कौम जालिम के खिलाफ उठी है, जो कौम मजलूम की हिमायत की। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब फरीजे इस्लामी था लोगों को साबिक अक़वाम व मिलल के बारे में तजुर्बे की हैसियत बताई जाए ताकि मालूम हो साबिक किन तजारिब के मातहत हुकूक को ज़ाया किया गया था। हकमैन का दौर था, इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से लोगों ने चंद मुगले ज्यादा अफवाह अफराद थे अबू मूसा अशअरी जैसे शख्स को हकम बनाया और दूसरी तरफ माविया बिन अबी सुफियान के उस लश्कर से माविया की तरफ से अमरमास को हकम बनाया गया था। इमाम अली अबू मूसा अशअरी से फरमाते हैं
ay ako mo sa sharingayin niya, guys. Natakwek ito sa inyo for mga imam. Nadin ke bare mein na taqwa ilahi ki baatein Abu Musa Ash'ari se imam kehte hain, ya Abu Musa hamesha tajrube se istifada kar, kahin aisa na ho ki zalim baranda ho jaye, mazloom ka haq zaya ho jaye. Kitni badi baat thi imam ki ye, lekin kya hua, thodi si basirat na hone ki bina par, दुनिया तलबी होने के बिना पर, जब उस मस्जिद में पहुंचे जिस मस्जिद में हकम का ऐलान था, अमरनाथ ने अबू मूसा अशअरी से कहा पहले तुम जाओ अली को खिलाफत से बरकिनार करो, उसके बाद मैं भी मरवाऊंगा, माविया को बरकिनार करूंगा. हल में बसीरत के बिना पर अबू मूसा अशअरी जब मिंबर पर गया और कहने लगा कि मैं अली को खिलाफत से निकाल रहा हूँ, फौरन चूंकि इमाम अली के हिदायत पर अमल नहीं थी, तजुर्बे से साबित था ये, अमराज के बारे में जानने के बावजूद भी अनजान बन गया. अमराज मिंबर पर आकर अंगूठी निकाल कर कहता है मैं अली को हिदायत अली को उसी तरीके से खिलाफत से निकाल रहा हूँ जिस तरीके से अंगूठी निकाल रहा हूँ, और माविया के उसी तरीके से खिलाफत में बिठा रहा हूँ जिस तरीके से गोटी में बैठता हूँ. तजुर्बा वो कौम हलाक हो गई जो माँ साबिर कौमों का तजुर्बा हासिल नहीं थी, वो कौम जिंदा है जो माँ साबिर कौमों का तजुर्बा हासिल की है. आले सऊद को आले सऊद की निगाह से ना देखो, आले सऊद को बनी उमैया की निगाह से देखो. आले सऊद को देखो और समझो कि ये बनी उमैया है. आज आले सऊद को देखो कहो कि ये आज का बनी अब्बास है, क्योंकि ये वही है, ये इस दौर के यहूद परस्त है. आले सऊद, आले नाहियान, आले सानी, आले खलीफा, ये वो अरब के खानदान है जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए. मैंने पहले भी आपके सामने इस बात को अर्ज कर चुका हूँ, आले सऊद का शजरा यहूद से मिलता है. अगर उनके पांच दस्तों के ऊपर जाया जाए ये यहूदी थे, अब्दुल वहाब, इब्ने तैमिया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब, एक वो सल्तनत, एक वो मुफ्तियों के खत में भेजा गया और सल्तनत को मजबूत करने के लिए मुफ्तियों का सहारा लिया गया. नतीजा ये हुआ कि जितने आसार अहले बैत और शियों के आसार सब खत्म किया जाए, बैत शरफ को खत्म किया, बैतुल अहसान को खत्म किया, लाइब्रेरी को खत्म किया जिस लाइब्रेरी के अंदर मदीने में खतीब नुस्खे थे, इमाम अली का लिखा हुआ नुस्खा था, इमाम हसन का लिखा हुआ, इमाम हुसैन का लिखा हुआ नुस्खा था, कुरानी नुस्खे, आसार बैत अलवी खत्म किया इन्होंने, आसार पैगंबर अकरम खत्म किया. ये सारे आसार खत्म करने के बाद आज इन्होंने चाह के मकाम इब्राहिम को भी खत्म किया जाए, लेकिन देर हो चुकी है, उम्मत मुस्लिमा बेदार हो चुकी है. ये सुन्नी शिया की जंग नहीं है, ये जालिम और मजलूम की जंग है, इसलिए कि इन्होंने सुन्नियों को भी शहीद किया. जो जो इनके नजरिए के मुखालिफ है उसको इन्होंने खत्म किया, चाहे वो आइसिस की शक्ल में हो, चाहे वो अल नुसरा की शक्ल में हो, चाहे वो दाइश की शक्ल में हो. अजीजों, मैंने आपकी जहमत को ख़त्म किया, लेकिन खतरदारी के साथ इस तकरीर को मैं मसाइल की तरफ पहुंचाता हूं. शुक्रिया कहने का तो मुझे हक नहीं है, इसलिए कि यह मसला मसले इस्लाम का है. ये मसला इमाम ज़माना अरबाउन अबुल फिदा से मुअल्लक़ मसला, ये
वजीफे शरी है, एक दीनी और शरी वजीफा। हमारा काम आवाजों को बुलंद करना। शुक्र तो नहीं कह सकता लेकिन कदरदानी करता हूं। जब भी आप लोगों को बुलाया गया आप लोग मैदान में आए। इस्लाम कमरों के एसी के कमरों में बैठकर इस्लाम की तकदीर नहीं लिखी जाती। इस्लाम की तकदीर के लिए मैदान अमल में आना पड़ता है। इस्लाम की हिफाजत कमरों से नहीं हुई, इस्लाम की हिफाजत मैदानों से हुई। हमारे पास बहुत सारे महाजे तकलीर हैं, सबने किताबें लिखी हैं। बड़े बड़े महाजे थे हमारे पास जिनकी किताबें अजीम, पास ऐसे कहा गुजरे जिनकी किताब पढ़े बगैर महाजे तकलीर नहीं बन सकते, लेकिन उनको वहाँ का नाम किताबों के अंदर है और उनकी किताबें लाइब्रेरियों के अंदर है, उनके नाम गुम हो चुके हैं। सिर्फ उलमाओं के दरमियान उनके नाम जिंदा है, लोगों के नाम जिंदा नहीं है। लेकिन जो मर्द मैदान बना उसका नाम सिर्फ लोगों में नहीं, हर कौम मजहब के दरमियान जिंदा है। हुमैनी का नाम शीयों में जिंदा है, हुमैनी का नाम बच्चा बच्चा पहचानता है, हुमैनी का नाम मुसलमान और गैर मुसलमान पहचानता है। क्यों? इसलिए कि मर्द मुजाहिद मर्द मैदान था, क्योंकि इस्लाम की हिफाजत हमेशा मैदानों के जरिए से हुई, इस्लाम की हिफाजत मस्जिदों के जरिए से हुई, इस्लाम की हिफाजत धूप और सर्दी को देखे बगैर मैदानों में आने के जरिए से हुई। याद रखो दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, फिर नर्मदा की तरफ आता हूँ। पहली चीज इमाम अली का वो दावत, जो लोगों को इमाम जब दावत दिया करते थे उठो जालिम के खिलाफ, चलो जंग करो माफिया के खिलाफ, अपने हथियार को तेज करो, तो लोग कहते थे सर्दी है, लोग कहते थे गर्मी है, लोग कहते थे फसल का मौका है, लोग कहते थे अभी तो हमें फसल काटने का वक्त है, हम कैसे उठेंगे, अभी तो वक्त नहीं है उठने का। वो कौम हार गई, वो कौम मर गई जो अली की आवाज पर लब्बैक ना कहा। इसीलिए आज का शिया क्या कहता है, आज का शिया कहता है, यानी ईरानी कहते हैं हम अहले कूफा नहीं है जो आज के अली को हम तनहा छोड़ दें। इन्होंने आवाज पर लब्बैक नहीं किया, अली को शहीद होते देखा कौम कुछ नहीं कर सकी। हसन को तीर लगते देखा, जनाजे पर तीर लगते देखा, लेकिन कौम कुछ न कर सकी। लेकिन वो जिंदा कौम 72 की शक्ल में न करबला की धूप देखी न कुछ, मैदान में आकर बता दिया चाहे धूप हो चाहे ओस हो हम अब अब्दुल्लाह के पास पर लब्बैक कहेंगे, उठेंगे, हम हुसैन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। वो कौम क़यामत तक के लिए जिंदा होगी। आज यजीद पर नफरीन और कूफे पर उनकी हरकतों के बिना पर नफरत करने वाले ज्यादा है, लेकिन एक करबला के दर्जा की वजह से लोगों के जुबान पर लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद हैं। लब्बैक या हुसैन, हमारी औरतें हाजिर हैं ज़ैनब के लिए, हमारे बच्चे हाजिर हैं अली असगर के लिए, हमारे नौजवान हाजिर हैं और मोहम्मद के लिए, हमारे जवान हाजिर हैं अली अकबर अली अकबर हुसैन के लिए, हमारा कौम का हर फर्द हाजिर है कर्बला की उस अजीम नहसत के लिए और आज की दौर की अजीमियत को तोड़ने के लिए। हमें घबराहट नहीं होगी, हम ऐलान करते हैं
हम करबलाई हों, हमारे अंदर करबलाई खून है, हमारे जिस्मों के अंदर वो करबलाई जज्बे हैं। दुरूद व सलाम उस माँ पर जिस माँ ने हमारी तरबियत की उस करबला की नेहजत के लिए। करबला को जीतने वाले जीत कर चले गए, लेकिन याद रखो आज नेहजत करबला अभी भी तुम्हें तलब कर रही है। करबला में जितने लोग हुसैन की नुसरत को लब्बैक कह सकते थे वो कहकर चले गए, अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे चुके, 1400 साल हो चुके। आज भी अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अला हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन। इसके मातहत सारी करबला को जिंदा कर दिया गया, वो करबला हो चुकी, लेकिन आज करबला नेहजत करबला है जो हमें तलब कर रही है। आज नेहजत करबला है, कह रही है आज इस्लाम के लिए कोई अली असगर जैसा बच्चा पेश करे, कोई और मोहम्मद जैसा जवान नौजवान पेश करे, कोई अली अकबर जैसा जवान पेश करे, कोई आए कोई निकले जैनब की सीरत पर चले। आज के जालिम आज के यजीद को तमाचा लगाए, आज की माओं में जज्बा है। शहीद निम्र की माँ ने साबित कर दिया हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हम हिंदुस्तान में बैठकर आज कहें कि आज की यजीदियत पर लानत, यकीनन इसके लिए भी जिगर चाहिए, लेकिन बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है कि सऊदी अरब के हुकूमत के मापे रहकर हिजाज की जमीन पर एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, वो बच्चा हुसैन के तालिबान सीखता है और कहता है जो कासिम का जुमला था, यानी कौन सा जुमला, अगर यजीद की हुकूमत है हैहात मिन नज़िल्ला अल्लाह मिन नज़िल्ला।
बनी अब्बास शियत को मिटाना चाहती थी, बनी अब्बास मिट गई, शियत आबाद हो गई। तूने क्या नहीं किया, तूने बकी को उजाड़ा, खानदान इत्रत के पहले को उजाड़ा, आसार अहले बैत को खत्म किया, आसार अंबिया को खत्म किया। तेरी सीरत देखकर सद्दाम उठा, लेकिन उसकी किस्मत ये थी पहले बर्बाद हुआ, तेरी किस्मत ये है तू बदतरीन तरीके से बर्बाद होने वाला है। अरे सऊद, तारीख के बुरे तरीन सफहात पर तेरी ये नहस तारीख लिख दी जाएगी। आले उमैया, पहले शैतान, काबिल, फिरौन, नमरूद, अबू सुफियान, अबू लहब, अमाविया, यजीद, हज्जाज, मरवान, मरवान हिमार, बनी अब्बास, बनी उमैया, बनी अब्बास, मुगल और तमाम दालिम के अदबार के बाद ये सलमान हिमार, आल सऊद, लानती, ये तेरी तारीफ किस लोगे की है? तो ये समझता है कि तेरे मजालिम से ये सारी कौम, ये सारी करबलाई कौम डर जाएगी। ये तू समझता है कि हम अगर किसी का गला फाड़ देंगे ये शियत दबकर खामोश बैठ जाएगी? जो कौम शहादत को अपने गले से लगाती है उसे क्या शहीद किया जा सकता है, उसे क्या खत्म किया जा सकता है? उस कौम को हरगिज मारा नहीं जा सकता जो कौम मरना पसंद करती है। इमाम खुमैनी फरमाते हमारा फलसफा तो ये है, अगर हम दुश्मन के ऊपर वार करें तो भी हम कामयाब, अगर हमने मार दिया जाए तो भी हम कामयाब हैं। क्योंकि हमारी बका हमारे खूनों की वजह से है, हमारी बका करबला के खून से है, हमारा खून करबला के खून से मुतसिल है। दुरूद व सलाम हो उस ज़ैनब पर जिसने ऐसी तरबियत की। आज भी ऐसी औरतें पाई जाती हैं जो अपने हदीये को, अपने फर्जंद को, अपने भाइयों को, अपने अजीज को राह खुदा में कुर्बान कर सकते हैं। ये ज़ैनब की दर्दगाह आज के दौर में हमारे पास ज़ैनब की दर्दगाह है, हुसैन की दर्दगाह है। अब कौन बनी उमैया हमें खत्म कर सकती है? अब कौन बनी अब्बास हम पर खंजर चला सकता है? चाहे तुम आइसिस बनाओ, चाहे तुम दाइश बनाओ, चाहे तुम अनुसरा बनाओ, आज हमारा इरादा है अगर आज सऊदी हम पर हमला करेगा हम इसराइल पर मारेंगे, अगर इसराइल हमला करेगा तो भी इसराइल पर मारेंगे, इसलिए कि ये उसी की साजिश का नतीजा है। इसराइल ये ना समझे कि ये सऊदी के उठने से हमारे जहन सऊदी की तरफ चले जाएंगे। हम जानते हैं आज सऊदी जोधा की मिसाल रखता है, आज तो दूर है, आज सऊदी कोई कठपुतली का मिसाल है जो दूसरों की खिदमत कर रहा है। सऊदी अमेरिका और इसराइल का नौकर है। आज सऊदी चाहता है कि जंग करे, ईरान पर हमला करे। सऊदी जान, सारी दुनिया इस बात को जानती है, अगर सऊदी एक गलती भी करेगा बर्बादी इसराइल की होगी। अगर कतर एक गलती करेगा या कोई भी एक गलती करेगा हर हाल में बर्बादी इसराइल की होगी। और जिस दिन इसराइल नाबूद होगा इस्लाम का परचम सर बुलंद होगा। और ये नाबूदी याद रखे, सैयद हमारा फर्जंद ज़हरा, इमाम ज़माने के दीन का मुहाफिज हज़रत आयतुल्लाह अलैहि वसल्लम ख़ामेनेई ने ऐलान कर दिया इसराइल के अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए। सैयद के फरमान पर ये ना समझ
खून शहदा से इस्लाम का दरख्त और ताजा होता है। हमारी जाने जाए इस्लाम की हिफाजत हो, हमारी जाने कुर्बान उस इस्लाम पर से जो इस्लाम पैगंबर लेकर आया, उस इस्लाम पर हमारे बच्चों के, हमारे बड़ों के, हमारे वलवाओं के जान कुर्बान, जिस इस्लाम को अली ने हिफाजत की, उस इस्लाम पर हमारी जाने कुर्बान, उलमाओं की जाने कुर्बान, जिस इस्लाम को हुसैन इब्ने अली ने करबला के अंदर अपने बच्चों, अपने भाई, अपने भतीजों, अपने भांजों के जरिए से, उनके खून के जरिए से इस्लाम की हिफाजत की। दुश्मन के हक में जरूर है लेकिन शियत इनकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे, इस नहजत की हिफाजत करेंगे। कल के दिन करबला वालों ने इमाम हुसैन के सामने ठहर कर दुश्मन के तीरों को अपने ऊपर लिया, हुसैन की उम्र को दूल्हा नहीं किया। आज इस नहजत करबला के सिपाहियों की हम हिफाजत करेंगे, सीनों पर तीर लेंगे, जुबान से नफरीन करेंगे, उन पर लानत करेंगे, एहतजाज करेंगे, बच्चे बच्चे की जुबान पर टिकाएंगे, इस जालिमों के खिलाफ नफरीन मुबारात। इसलिए करबला के कौम हम रोते हैं, रोने के जरिए से ताबूत को खत्म करेंगे, जिस तरीके से ज़ैनब ने खत्म किया यज़ीदियत, जिस तरीके से ज़ैनुल अबादे किया, जिस तरीके से सैयद सज्जाद ने किया, जिस तरीके से दीगर अइमा अहले बैत ने किया, करबला ने हमें हिम्मत दिया है, हमारी जान कुर्बान है करबला के शहदा पर, हमारी जान कुर्बान है हुसैन इब्ने अली की खाक के पाप पर, हमारी जान कुर्बान है उस हुसैन के बदन से गिरने वाले खून के कतरों पर। हम बैत करते हैं अबा अब्दुल्लाह हुसैन थे, अबा अब्दुल्लाह हुसैन आज के इस करबला में हम किसी को गौदान में गिरने ना देंगे। हुसैन तन्हा थे, अकेले थे, रंग का मामूल था, सिपाही दुश्मन का लश्कर फरावा था, गहरा हुआ था, हुसैन के लबों पर गिर्द था, बस दुश्मन कहता था हुसैन अभी भी वक्त है, तुम यजीद को मान लो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब अब्दुल्लाह हुसैन ने फरमाया है आज मिन्नत दिल्ला मुझसे जिल्लत को सो दूर है, मैं हरगिज यजीद के और यजीदियत के मुकाबिल सर बकम न होऊंगा, हरगिज यजीद को तस्लीम न करूंगा, मर जाऊंगा। उसी तरीके से बदन के हर हिस्से पर तीर, गर्दन पर तीर, पेशानी पर तीर, सीने पर तीर, कभी भालों के हमले, कभी तीरों के, कभी तलवारों से हमले। अल्लाह अल्लाह, जालिम अशियाओं ने मिट्टी को उठाया, हुसैन के ऊपर मारना शुरू किया। क्या आलम था अब्दुल्लाह हुसैन का, जब खाक करबला हुसैन के जिस्म पर पड़ी तो हुसैन के चंद जिस्म के कपड़ों पर पैवस्त हुई। अब अब्दुल्लाह हुसैन उस घोड़े पर सफर न सके, ज़हरा का लाल घोड़े पर सफर न सका, जमीन पर आया, अल्लाह अल्लाह, फिर भी सजदे में ऐ खुदा, चाहे बदन पर तीर हो, चाहे बदन पर तलवारों के जख्म हो, चाहे बदन पर हमले हो,
बच्चे के गले पर तीर लग जाए, मेरे कड़ियल जवान के सीने पर बर्ची लग जाए, मेरे भाई के बाजू कट जाए, मेरे कासिम को सीने पर मार कर गिरा दिया जाए, अल्लाह अल्लाह मेरे भांजों को शहीद किया जाए। हर मुसीबत के बावजूद परवरदिगार हुसैन कहता है, ला माबूद सिवा तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, तेरे अलावा कोई रब नहीं है। मैं लब से अल्लाह को गिरने न दूंगा, खुद घोड़े से गिर जाऊंगा लेकिन कलिमतुल्लाह को गिरने न दूंगा, खुद अपने बेटे को गिरा दूंगा लेकिन अल्लाह को गिरने न दूंगा। सजदे में आ गए, सुभान रब्बी अला व बिहमदे, एक सजदे के जरिए से सारे एकाम की रूह को हुसैन ने बचा लिया। दुरूद सलाम, फरिश्तों ने सलाम किया, करबला ने इस्लाम को बचा लिया, इस्लाम ने सलाम किया, हुसैन शुक्रिया मैं बच गया, रसूल ने सलाम किया, हुसैन तुमने मेरी ज़हमतों को बचा लिया, अंबिया ने सलाम किया, हुसैन तुम्हारे खून की वजह से मैं हमारी ज़हमतें बच गई। हुसैन अभी इस्लाम क़यामत तक रहेगा, न बनी उमैया इसको मिटा सकेगा, न बनी अब्बास, न आले उमैया, न आले सऊद, न आले नहियान। अला लानतुल्लाह अला अल-क़ौमि अज़-ज़ालिमीन। खुदावंद आले सऊद को नीस्त नाबूद फरमाए, खुदावंद आले सऊद को नीस्त नाबूद फरमाए, खुदावंद आले नहियान, आले खलीफा, आले बानी को नीस्त नाबूद फरमाए। दाइश को बहरा अल-क़ायदा नुसरा इन सबको नीस्त नाबूद फरमा, परवरदिगार परचम इस्लाम को रोज बरोज सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को रोज बरोज सरनगून फरमा, परवरदिगार इन शहदा को जमारे करबला में रहमत अता फरमा, परवरदिगार शहीद नेम नाइजीरिया के शहदा और दीगर शहदा जो इस्लाम के लिए मारे गए, परवरदिगार इन सब को करबला के शहदा के साथ महशूर फरमा, परवरदिगार शहीद निम्र की माँ को तूरानी उम्र अता फरमा, परवरदिगार निम्र की माँ को दुनिया और आखिरत में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ महशूर फरमा, परवरदिगार उलमाए आलम मराज तकलीफ आयतुल्लाह उज़्ज़मा सिस्तानी को तोले उम्र अता फरमा, परवरदिगार मुहाफिज़ इस्लाम वली अमर मुस्लिमीन قائد ملت قائد مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ امام الخامنئی کو طول عمر عطا فرما، روز بروز ان کی زندگی میں عزت عطا فرما، پروردگار روز بروز ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما، پروردگار روز بروز پرچم اسلام کو سربلند فرما، پروردگار حسن رفتان نصر اللہ اور ان کے حزب حزب اللہ کی حفاظت فرما، روز بروز ان کو کامیابی عطا فرما، پروردگار منتقم خون حسین امام زمان اروح اللہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے احوال انصار میں قرار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شہید شہید راہ اسلام حضرت الجد الاسلام المسلمین الشیخ نیم باقر نیم اور نائجیریا کے شہدا اور دیگر شہدا کو ایصال فرمائے۔